फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं बच्चा खराब होने के क्या कारण होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों खराब हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों हो जाता है। देखिए, मिसकैरेज आप सभी को पता होगा, मिसकैरेज होने पर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिन्होंने कंसीव करने की प्लानिंग की है और अच्छा खासा कंसीव भी हो गया है और फिर भी आपको आपका हर बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है और क्यों होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, यानी कि पहले से लेकर के तीसरे महीने तक का टाइम, जो पहले से लेकर के तीसरे महीने तक का टाइम होता है वो आपका बेहद नाजुक होता है। इन दिनों में आपकी छोटी सी गलती से भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले से तीन महीने के बीच में, आपको अपना बहुत खास ख्याल रखना होता है। आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, इन चीजों का बेहद ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मिसकैरेज क्यों हो सकता है, इसका कारण हो सकता है या तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो बच्चे में, या फिर बच्चा एबनॉर्मल हो, या फिर बच्चे में हार्मोनल प्रॉब्लम हो। तो इन तीन कारण की वजह से अपना आप ही मिसकैरेज हो जाता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो इनकी वजह से आपको जो है मिसकैरेज हो सकता है, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने कोई इतनी चीज गर्म चीज खा ली हो जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है, आपकी मिसकैरेज हिस्ट्री पहले से रही हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपने बहुत गर्म पानी से आप नहा ली हो तो भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा नंबर दो, अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, यानी कि चौथा पांचवा और छठे महीने के बीच में मिसकैरेज क्यों हो जाता है, तो देखिए जो इस महीने में सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर मिसकैरेज हो रहा है तो इसमें क्या कारण हो सकता है, आपकी बच्चेदानी की शेप या तो छोटी हो इसकी वजह से या खराब हो उसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है, या फिर बच्चेदानी में कोई गांठ हो उसकी वजह से आपका उस टाइम पर मिसकैरेज हो जाता है अपने आप, या फिर बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल गया हो, इस वजह से भी आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको खास ख्याल रखना होता है। आपको जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको अपने टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराएं, यूएसजी जरूर कराएं, अपने टाइम पर सारे टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पर और भी काफी सारी चीजें आपको हो सकती हैं। इसके अलावा तीसरा, हम बात कर रहे हैं लास्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि सेवंथ एट्थ और नाइन्थ मंथ के बारे में। इस टाइम पर मिसकैरेज क्यों हो जाता है, कभी कभी अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है, तो देखिए इस टाइम पर मिसकैरेज होने का कारण हो सकता है या तो जो पानी की आपके अंदर जो आपका थैली है उसमें पानी की कमी हो गई है, फिर आपकी आंवल में कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो लास्ट टाइम पर आपको हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी काफी लोगों की हो जाती है, तो ये आपके कारण हो सकते हैं जो मेन कारण है। आपको जब भी आप कंसीव करें तो आपको खास ख्याल रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये ध्यान रखना है। आपको ज्यादा लंबा सफर नहीं करना है, पाइप पर ना जाएं और ज्यादा सफर करने से बचें, लूज कपड़े पहने, और इसके अलावा अपने खाने का खास ख्याल रखें, नारियल पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, उससे आपको काफी फायदा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।